हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फॉक्स प्रो में स्वाइपिंग का प्रोग्राम पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग फॉक्स प्रो में स्वाइपिंग का प्रोग्राम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्वाइपिंग क्या होता है। स्वाइपिंग स्वाइपिंग उसे कहते हैं जो एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे का वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, यानी इसका वैल्यू उसमें और उसका वैल्यू इसमें, उसे ही हम लोग स्वाइपिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्वाइपिंग का प्रोग्राम फॉक्स प्रो में कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉक्स प्रो के स्वाइपिंग का प्रोग्राम हम का कोड हम लिख दिए हैं, आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि स्वाइपिंग के बारे में आप लोग समझ गए कि स्वाइपिंग एक दूसरे को इंटरचेंज को करते हैं, एक दूसरे के वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए स्वाइपिंग का प्रयोग करते हैं। ओके, अब स्वाइपिंग का कोड देखिए फॉक्स प्रो में। पहले तो हम क्लियर स्क्रीन करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। फिर अगर टू नंबर का की स्वाइपिंग करना होगा तो टू नंबर लेंगे, थ्री नंबर का स्वाइपिंग करना होगा तो थ्री नंबर लेंगे। हम आपको टू नंबर का भी बताएंगे और थ्री नंबर का भी बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, आपको हम टू नंबर का स्वाइपिंग बताएंगे और थ्री नंबर का भी बताएंगे, तो अंत तक देखिएगा। ओके, देखिए पहले इनपुट फर्स्ट वेरिएबल। ओके, इनपुट फर्स्ट वेरिएबल टू ए, यानी फर्स्ट वेरिएबल को इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद इनपुट सेकेंड वेरिएबल टू बी, यानी सेकेंड वेरिएबल को भी इनपुट करेंगे। ओके, अब हम लोग यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे, प्रिंट बिफोर स्वाइपिंग, यानी स्वाइपिंग के पहले। ए का मान जितना ए का वैल्यू देंगे उतना, और बी का वैल्यू जितना बी का वैल्यू इनपुट करेंगे उतना, यानी स्वाइपिंग के पहले हम लोग यूजर को मैसेज देंगे कि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है। ओके, और देन इसके बाद प्रिंट हम लोग आफ्टर स्वाइपिंग, यानी स्वाइपिंग के बाद अब करेंगे। ओके, स्वाइपिंग के बाद हम लोग तीन वेरिएबल लेंगे, C, A, B, C, तीन वेरिएबल, क्योंकि हम लोग को दो वैल्यू को स्वाइप करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, तो दो वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए हम लोग तीन वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्यों तीन वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैं मान के चले कि दो बल्टी है। ओके, ए दो बल्टी है। ओके, इसमें एक में रेड रंग है, एक में ब्लैक रंग है। ओके, ब्लैक कलर है, और दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ तीसरा बल्टी का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तीसरा बल्टी रहेगा तभी तो इसको पहले इसमें डालेंगे, तब फिर इसको इसमें डालेंगे, तब फिर इसको इसमें डालेंगे। तीन बल्टी रहेगा तब ना इंटरचेंज होगा। इसी तरह से हम लोग तीन वेरिएबल दिए हैं। ओके, अब देखिए सी बराबर ए, यानी ए का वैल्यू सी में चला जाएगा। ओके, फिर ए बराबर बी, यानी अब ए खाली हो गया था तो ए बराबर बी, यानी ए का वैल्यू बी में चला जाएगा, सॉरी बी का वैल्यू ए में चला जाएगा। ओके, अब बी खाली हो गया तो बी का बी बराबर सी, यानी
सी में जो डाल देते हैं वो बी में आ जाएगा, इसी तरह से इंटरचेंज हो जाएगा। ओके देन प्रिंट हम लोग करवा देंगे, प्रिंट ए बराबर ए और प्रिंट बी बराबर बी। ओके और फिर लास्ट में इन, इसी तरह से हम लोग फॉक्स प्रो में स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। ओके आपको अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब 3 नंबर का देखते हैं कैसे बना। अगर 3 नंबर का बनाना हो तो इसी तरह से बनाते हैं, केवल यहाँ पे इनपुट कराएंगे, इनपुट थर्ड वेरिएबल टू सी। ओके फिर बिफोर स्वैपिंग और सी, और यहाँ पे सी बराबर सी करेंगे, आफ्टर स्वैपिंग जस्ट लिखेंगे, फिर यहाँ एक वेरिएबल डी लेंगे। ओके फिर डी बराबर सी, डी बराबर ए करेंगे, ओके ए बराबर बी करेंगे, बी बराबर सी करेंगे, सी बराबर डी करेंगे, देन उसके बाद प्रिंट करवा देंगे। ओके इसी तरह से थर्ड नंबर का भी स्वैपिंग होगा। तो चलिए मिलते हैं फॉक्स प्रो में अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।